अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोग रिथम का चैप्टर कर रहे हैं। अब हमने 3.4 स्टार्ट की है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो लिख रहा है कि यूज़ द लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये वैल्यू को हमने फाइंड करना है लॉग टेबल को यूज़ करते हो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमने फर्ज कर ली लेट एक्स इक्वल टू ई एक्स के बराबर है। ठीक है, तो देन हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया हमने। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने लॉग टेबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने क्या अप्लाई किया, लॉगरिथम अप्लाई किया बोथ साइड। ठीक है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है जब प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, दोनों को साथ सेपरेट लॉगरिथम लगा दिया और बीच में प्लस का साइन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पीछे बताया था मल्टीस और करेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका। ठीक है ना, कि देखें इसकी जो मल्टी इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा क्या होगा, -1 होगा। क्योंकि देखें 8 के स्टार्ट में पॉइंट लेके आना ना, जब लेफ्ट राइट लेके आएंगे तो माइनस आता है, राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे तो प्लस आता है। ठीक है, तो आप इसके कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लॉगरिथम लिख के 0.8176। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू लॉगरिथम की तो क्या आई, 1-1.9125 और लॉगरिथम 1.3.65 की आई है 1.1348। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को ऐड किया, देखिए -1 है ना, ये 1 के ऊपर जो 12 है ये माइनस को शो कर रही है। ठीक है, -1 है प्लस 0.9125 ताकि कैलकुलेशन में इजी आसानी रहे हमारे लिए, तो -1 को लहदा लिख दिया हमने, लिख दिया बट 0.9125 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1.0473। जो पॉइंट से पहले होता है वो क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स होती है, और जो पॉइंट के बाद होता है वो क्या होता है, मल्टीसा। 1 इज द करेक्टरिस्टिक्स एंड 0473 इज द मल्टीसा। ये आपका क्या आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, तो यो लॉग टेबल को यूज़ करते हुए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब ये देखें इसका भी हमने यानी यूज़ लॉग टेबल करना है। ठीक है, लेट एक्स कर लिया इसको, एक एक्स के इक्वल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये लॉग ले लिया, जब लॉगरिथम की पावर में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में पावर आ जाए तो प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है, तो जो पावर होती है पहले आ जाती है। ठीक है, यानी लॉगरिथम से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, और लॉगरिथम 789.5 किसके बराबर है, 2.8974 के। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो क्या मिला आंसर, 0.3622। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं इसको डिवाइड ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंपल इसको लेट एक्स इक्वल टू एक्स, यानी एक्स लेट कर लिया। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन वो साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ये देखें तो एक डिवाइड हो रहा है, इसमें दो प्रॉपर्टियाँ लगेगी लॉगरिथम की। ठीक है, अब पहले लॉगरिथम इसके साथ अप्लाई कर ले, ऊपर वाले के साथ, देन नीचे वाले के साथ। ठीक है, फिर नीचे वाले के साथ, जब डिवाइड में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है तो माइनस आता है ना, और जब मल्टीप्लाई में हो प्लस आता है। ठीक है, देखें लॉगरिथम इसके साथ करेंगे तो माइनस लॉगरिथम 0.0234 आ गया। ठीक है, अब इसके साथ अप्लाई करें तो बीच में प्लस आ गया, दोनों के साथ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिंपल आप लॉगरिथम यूज़ करते हो टेबल, जिस तरह मैंने बताया था कि देखें ये है 99 है ना, 90 है, 90 पे 1 देखना हमने लॉगरिथम पे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसके सामने वो लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, इम्तिहान में कैलकुलेटर आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको उसके अलावा भी जो मैंने वैल्यू निकालने बताई है मल्टीसा और करेक्टरिस्टिक्स किस तरह आती है, तो आपने वो भी यानी तरीका आना चाहिए आपको। ठीक है, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज 3.3 में बताया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ईजी है, तो बाज़ औक़ात वो इम्तिहान में आपको वो लॉगरिथम का टेबल भी देता साथ। ठीक है, तो इसलिए आपको उसका भी पता होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू ये आ गई लॉगरिथम की। ठीक है, और लॉगरिथम 9.01 की ये वाली आ गई, और इसकी ये आ गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, -1 प्लस 0.8312 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.9547 -2 है ना, देखें जब माइनस इसके साथ लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, देन माइनस अंदर आएगा, -0.3692। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को कैलकुलेटर से आप कर लें, यानी पूरी वैल्यू लिख के क्या आंसर मिलेगा, 2.4167।
तो टू क्या है, आपके हर पॉइंट से पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स और बाद में देन मंटीसा 4.167 मंटीसा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपने नीट का भी उतारना है, उम्मीद करता हूँ ईजी है, आपको समझ आई होगी क्योंकि इसमें बेसिकली लोगरिथम की प्रॉपर्टीज लगी हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।